कोसी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 22 अक्टूबर को होगा और इसको लेकर के सभी प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जबकि एनडीए से डॉक्टर एनके यादव मैदान में आएंगे। वहीं राजद से नीतीश कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी संजय चौहान मैदान में उतरेंगे। 22 अक्टूबर को चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वह किस तरह से देखते हैं पूरे कोसी चुनाव को, इसको लेकर के आज हमारे साथ हैं, हम सर से बात करेंगे। सर बताइए कैसे देखते हैं आप चुनाव को, क्यों आए शिक्षा का क्षेत्र को छोड़ करके इसमें? सर प्रथम तो मैं कोसी स्नातक क्षेत्र के सभी मतदाताओं भाइयों बहनों को का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सब शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं 40 वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे और प्रचार्ज के पद पर रहकर शिक्षा जगत से 14 जिले के जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं सबों की सेवा विश्वविद्यालय स्तर से सचिवालय स्तर से शिक्षा विभाग में करता रहा हूं और मुझे नज़दीक से इस प्रायश्चित को जो वित्तरहित शिक्षा नीति बिहार की है इस कलंक को मिटाने के लिए मैं संकल्पित हूं और मैं चाहता हूं अगर मुझे विधान परिषद में विजय घोषित करती है, हमारी मतदाता अगर सेवा करने का अवसर प्रदान करती है, तो मैं संकल्प ले लिया है कि सबसे पहले मैं वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत शिक्षक कर्मचारियों को वेतनमान दिलवाकर रहूंगा, क्योंकि मेरे सिवा जितने भी प्रत्याशी हैं उस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, इस दंश को मैंने नज़दीक से झेला है। और जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई हैं जो एक ही छत के नीचे एक ही सिलेबस और तीन तरह का वेतनमान वाले शिक्षक नियुक्त करके हमारे ये सत्ताधारी पार्टी शिक्षा नीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि दूसरी प्राथमिकता रहेगी नियोजित शिक्षकों को नियमित रूप से समान काम के बदले समान वेतन लागू करवाना और इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा सदन में। एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर एनके यादव भी काफ़ी जोर शोर से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आपका मुख्य मुकाबला किससे? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरे सामने अगर 6 वर्षों का मूल्यांकन की जाएगी तो वो जिस पेशे से जुड़े हुए हैं जो प्रत्याशी भी 6 वर्षों से हैं, हमारे स्नातक मतदाता भाई बहन, हमारे नियोजित शिक्षक, हमारे वित्त रहित शिक्षक, हमारे अंगीभूत कॉलेज के शिक्षक, यह प्रतिज्ञा कर ली है इस बार मैदान में एक शिक्षक जो 40 वर्षों से भूखे प्यासे और त्याग तपस्या करके आज मैदान में डटे हुए हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, कोई राजनीतिक दल हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, इसे जिताना है, इसे विधान परिषद भेजना है, मेरा किसी से कोई संघर्ष नहीं है, हम विजयी होंगे, मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ के कोसी क्षेत्र की जनता यह संकल्प ले लिया है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को जिताना है। आपसे एक सवाल और होगा कि महागठबंधन से आप हैं, कांग्रेस से आए हैं, लेकिन राजद से नीतीश कुमार जी वहाँ पर मैदान में, फिर ऐसा क्यों सर जब आप महागठबंधन से? ये हमारे पार्टी स्तर से राष्ट्रीय पार्टी और प्रदेश स्तर के जो अध्यक्ष और हमारे स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य होते हैं, ये निर्णय वहाँ से होती है। अगर महागठबंधन एमएलए चुनाव में गठबंधन हुई है, एमएलसी चुनाव में कोसी स्नातक क्षेत्र से गठबंधन नहीं हो सका है और दोनों अपने अपने ढंग से उम्मीदवारी जता रहे हैं और हम मैदान में डटे हुए हैं, उनसे हमें कोई हानि नहीं है, हम जीतेंगे। मैं यही जानता हूं कि गठबंधन होता फिर भी मुझे लाभ होता, गठबंधन नहीं भी हुआ तो मुझे विशेष लाभ हो रही है। वोटरों से क्या वादा करेंगे, क्या प्राथमिकता होगी आपकी चुनाव जीतने के बाद? मैं कोसी स्नातक क्षेत्र के जितने भी मतदाताओं भाइयों बहनों हैं, विशेषकर जो हमारे शिक्षक वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत प्रायश्चित भोग रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, जो हमारे और भी शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए हैं नियमित शिक्षक, सरकारी विद्यालय के शिक्षक, अंगीभूत कॉलेज के शिक्षक, इस सत्ताधारी पार्टी जो अभी हमारे एनडीए की सरकार है, शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा की ढिंढोरा पीट रही है लेकिन व्यवहारिक रूप से धरातल पर कहीं भी गुणात्मक शिक्षा नहीं दिखती है,
आप मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाई स्कूल को आप बिना आधारभूत संरचना का 10+2 में कन्वर्ट कर रही हैं, और आप 38 वर्षों से जो संस्था बीत रहे शिक्षण संस्थान है, करोड़ों की संपत्ति है वहाँ, आप उसको टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, वहाँ के शिक्षक कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, उनके लिए मैं संकल्पित हूँ और इसी के लिए मैं पूरे क्षेत्र में आया हूँ कि इस बार हम पूरे मतदाताओं ने मन बना लिया है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को लाना है, और शिक्षा जगत का जो कलंक है, जो गुणात्मक शिक्षा का झूठी जो आश्वासन दे रही है सरकार, इसे मिटाना है और इसे लागू करवाना है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो कोसी का जो स्नातक क्षेत्र है वहाँ जो वोटिंग परसेंट होता है वो 60 से 70 के बीच ही घूमता है, इस बार क्या कुछ करेंगे कि कुछ परसेंट बढ़े वोट का? इस बार 1,11,000 लगभग वोटर है, और इसमें हमने 45,000 वोटर मैंने बनाया है, और इसमें 20,000 अल्पसंख्यक है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी पार्टी को वोट देने नहीं जा रहे हैं। 20,000 वोटर अल्पसंख्यक के हैं शिक्षक, और हमारे वित्त रहित शिक्षक 20,000 बने हैं, 40,000, और 17 कैंडिडेट है। आप समझ सकते हैं कि हम 20,000 में 60%, 20,000 अल्पसंख्यक में 60% हमारी जीत निश्चित है। हम दावा कर रहे हैं कोई प्रत्याशी मैदान में हमारे बीच नहीं टिकेंगे, और इस बार विधान परिषद में हम जाकर पूरे शिक्षा जगत की काया पलट करेंगे, और जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे, जो भी शिक्षा मंत्री रहेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, मैं लड़ूंगा, लड़ने वाला हूं, संघर्ष करने वाला हूं, और मैं कोई आश्वासन नहीं, कोई वादा नहीं, कोई भाषण नहीं, मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा सच्चाई पूर्वक। और संक्षेप में सर मतदाताओं से क्या अपील होगी? मैं सारे मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप किसी के बहकावे में आप लोग ना आवे, जो परंपरा रही आप पेशेवर को किसी माफियाओं को चुनने का काम ना करें, और हर तरह से वो प्रलोभन देंगे धर्म जाति के नाम पर, वो वोट करवाने के लिए हर क्षेत्र में 14 जिला में अपने दलालों को भेज दिया है। मैं चाहता हूँ मतदाताओं भाइयों बहनों से कि आप बुद्धिजीवी विद्वान वर्ग से आते हैं, आप संघर्षशील ईमानदार और जो एक शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं वैसे लोगों को विधान परिषद में भेजने का काम करें, निश्चित रूप से मैं आपके वादे पर खरा उतरूंगा और सारे शिक्षक हमारे साथ रहेंगे। तो ये थे तावड़ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह से, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी, राष्ट्रीय कांग्रेस से ये प्रत्याशी, और इन्होंने वादा किया कि जब जनता हमें विधान परिषद भेजेगी तो जो जमीनी स्तर पर है वह कार्य करेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी क्षेत्र में कैसा काम करते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर।